नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है करेले की खट्टी मीठी सब्जी। नॉर्मली हम भरवा करेले बनाते हैं या उसे क्रिस्पी फ्राई करके भी बनाते हैं, पर आज मैं इसकी खट्टी मीठी सब्जी बना रही हूँ, जिससे इसका कड़वापन दूर हो जाता है और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। जिसके लिए मैंने 250 ग्राम करेले लिए हैं और आप देख सकते हैं इसे मैंने इस तरह से गोलाई में काटा हुआ, हल्का सा मोटा रखा हुआ है। और लगभग 3 करेले थे ये। और यहाँ पर मैंने कच्ची कैरी 2 ली हुई है। ये देखिए, मैंने इसे छोटे वाले ग्रेटर से कद्दूकस किया हुआ है। नॉर्मली हम इमली के साथ बनाते हैं खट्टी मीठी सब्जी, पर अभी सीजन में आम है तो इसलिए मैंने आम के साथ बना रही हूँ, जिसे बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पे 2 बड़े प्याज को मैंने एकदम बारीक कट कर लिया है। और यहाँ 5 से 6 लहसुन की कलियाँ और 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का है, इसे भी मैंने क्रश कर लिया है, फ्रेश कूटा हुआ है। तड़के के लिए 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल है। और तड़के में मैं राई और जीरा दोनों डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा, लगभग आधा आधा चम्मच है। 1/2 चम्मच सौंफ है, ये अवॉइड भी कर सकते हो आप, लेकिन इसे मीठा डाल रही हूँ तो इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच मिर्च पाउडर है, 1/4 चम्मच हींग लिया हुआ है और 1 बड़ा चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया हुआ है। और यहाँ पर लगभग 2 बड़े टुकड़े के करीब में मैंने यहाँ पर गुड़ लिया हुआ है, तो गुड़ अभी मैं इसको पानी में भिगो दूंगी ताकि इसके अंदर अगर कुछ कंकर वगैरह हो तो हम इसे छान के डाल देंगे सब्जी में बाद में। तो अभी मैं इसे क्रश कर लूँगी। तो पहले हम तड़का लगा लेते हैं। तड़के के लिए मैंने सरसों तेल डाल दिया था, तेल अच्छा गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें डालूँगी राई और जीरा, साथ ही डाल दूँगी सौंफ भी और हींग, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। और गैस की आंच मैंने धीमी रखी हुई है, बढ़िया क्रैकल हो रहे हैं जीरा और सौंफ भी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, सौंफ से बहुत बढ़िया खुशबू आती है। तो देखिए हल्का हल्का कलर चेंज होने लगा है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ अदरक और लहसुन, जिसे मैंने फ्रेश ही कूटा हुआ है। और हल्का सा भून देती हूँ। और अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी, क्योंकि साथ में अब सभी चीज़ें भुनेंगी। और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। 2 मिनट भूनने के बाद में फिर मैं इसमें धनिया पाउडर डाल दूंगी। और गैस की आंच अभी मीडियम रखी हुई है, लगातार चलाते हुए मैं भून लेती हूँ। ये देखिए प्याज को मैंने 2 मिनट भून लिया है, आप देख सकते हो हल्का सा कलर चेंज हो गया। तो मैं इसमें डाल दूंगी धनिया पाउडर और इसके साथ में अब अच्छे से भूनूंगी जब तक कि अच्छा ब्राउन कलर ना आ जाए। ये देखिए धनिया पाउडर डालने के बाद में बहुत ही अच्छे से मैंने भून लिया और आप देख सकते हो बहुत अच्छा कलर आ चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी और ये मसाला भुन भी जाएगा प्याज के साथ। कलर देख सकते हो बहुत ही बढ़िया आया है, मसाला अच्छे से भुन चुका है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी करेले। और अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए मसाले के साथ में करेले को अच्छे से मिक्स कर लिया, आप देख सकते हो मसाला कितने बढ़िया तरीके से करेले पे कोट हो गया है। तो अब मैं इसे बिल्कुल धीमी आंच करके ढक करके पकने दूंगी ताकि करेले थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, लगभग 2 से 3 मिनट। और मैंने मोटाई में कट किया हुआ है, तो अगर नहीं सॉफ्ट लगते तो आप लगभग 3 से 4 मिनट भी इसे पका सकते हो। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे और बिल्कुल धीमी आंच रखेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हमने करेले डालने के बाद में ढक करके स्टीम दे दिया ताकि करेले हल्के से सॉफ्ट हो जाए। आप देख सकते हो हल्के से नरम दिखने लगे हैं, पूरी तरह गलाना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमें अभी आम और जो हमने गुड़ भिगो के रखा था उसके साथ भी पकाना है। बिल्कुल हल्के से सॉफ्ट करना है क्योंकि हमने मोटे रखे हुए हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी आम जो मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने गुड़ को ये देखिए पानी में भिगो के रखा था ताकि इसमें जो भी कंकड़ वगैरह है वो निकल जाए। तो अब मैं इसे डाल दूंगी छान करके।
ये देखिए हल्के हल्के से कम कर दें, वो साइड हो गए, छन्नी में आ गए। तो अब अच्छे से मिक्स कर दूंगी सभी चीज़ों को। ये देखिए हमने आम डाल दिया और हमने गुड़ का पानी भी डाल दिया है और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, उबाल भी आ गया है इसमें। और अभी हम और एक्स्ट्रा पानी नहीं डाल रहे हैं क्योंकि आपको जैसे रखनी है उस हिसाब से बाद में रख सकते हो। अभी इतने पानी में ही इसे हम पकने देंगे धीमी आंच पे ढक करके। अगर आपको गाढ़ी सी खाना पसंद है तो आप उस हिसाब से रख सकते हो। अगर आपको इसका खट्टा मीठा, इसको ग्रेवी चाहिए, रसा चाहिए तो उसके बाद में आप पानी डाल सकते हो, लेकिन अभी हम इसी में इसे पकने देते हैं और 2 मिनट बाद फिर से चेक करते हैं। लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं करेले की खट्टी मीठी सब्जी को बनते हुए। ये देखिए कितनी बढ़िया दिख रही है सब्जी। तो एक बार अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए अभी हल्की सी गाढ़ी भी हो गई है ये, तो हम करेले को भी चेक कर लेंगे। आप इस तरह से भी रख सकते हो, लेकिन हम पहले करेले को पूरी तरह से पका लेंगे। ये देखिए सॉफ्ट होने लगे, थोड़ा सा बाकी है अभी क्योंकि मोटे रखे थे, तो बस 2 से 3 मिनट में और अच्छे से ये पक जाएंगे। तो अभी एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे। अगर आपको ग्रेवी करनी है तो आप गर्म पानी करके इसमें डाल सकते हो, या ऐसे खानी है तो ऐसे रख सकते हो। करेले की खट्टी मीठी सब्जी को लगभग 3 से 4 मिनट मैंने और पका लिया है और अभी ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए, और अभी ये ना ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है, मुझे ऐसी ही रखनी है। तो ये बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो अब मैं इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल दूँगी। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया दिख रही है और करेले भी अच्छे से पक चुके हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये अच्छा मोटा सा करेला है, ये देखिए अच्छे से दब रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुका है। तो अब मैं इस सब्जी को सर्विंग प्लेट में निकाल लेती हूँ। करेले की खट्टी मीठी सब्जी बनके तैयार है खाने के लिए। और आपने देखा ये सब्जी बनाना कितना आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। हमने इसमें खट्टा और मीठा जो डाला है उससे करेले का कड़वापन भी थोड़ा सा दूर हो जाता है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी हो जाती। जो लोग करेला खाना नहीं पसंद करते वो लोग भी इसे ज़रूर खा के देखिए, उन्हें भी ये सब्जी बहुत पसंद आएगी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलें करेले की खट्टी मीठी सब्जी आपको कैसी लगी। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।